अभी मॉल का नजारा आप लोगों के सामने है। इतना प्यारा मौसम है, समर के टाइम में भी इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है ना, अमेजिंग एक्सपीरियंस। दार्जिलिंग का मॉल जो वर्ल्ड फेमस है, आइए और दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करिए। चिकन लेग पीस है, तैयार हो रहा है, चिकन सेफाल है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ रहा है तो चिकन लेग पीस फ्राई करिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं राज और आप लोग देख रहे हैं अनबीटेन ड्रीम्स ब्लॉग्स। तो हम लोग अभी आ चुके हैं दार्जिलिंग मॉल पे, अभी मॉल मार्केट में हम लोग खड़े हैं। मेरे साथ है दोना, सोनू भी है। अभी मॉल का जो नज़ारा आप लोगों के सामने है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बज रहा है 7:30। इतना लोग मार्केटिंग करने या शॉपिंग करने निकले हैं यहाँ पे मॉल में, जो 5 बजे सामने जो दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रीट मार्केट बैठता है, वही यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। स्ट्रीट फूड दार्जिलिंग में यहाँ पे बैठता है, वो भी बहुत बहुत फेमस है। यहाँ पे मॉल के पास भी एक मार्केट है, दोनों साइड में आप लोगों को मार्केट दिखाई दे रहा है, इधर भी है और इधर भी है। थोड़ा बार्गेनिंग यहाँ पे करके जो प्राइस है उसको फिक्स करना पड़ेगा। और दूसरा मार्केट यहाँ पे है महाकाल मंदिर के पास, जो मार्केट है जिसको महाकाल मार्केट बोला जाता है, वहाँ पे भी बहुत सस्ता और बहुत अच्छा चीज़ मिलता है, मगर यहाँ पे स्टाइलिश चीज़ बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है। मार्केट में इतना सुंदर सुंदर स्टॉक है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा एक दुकान है, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ लू क्या ना लू, मगर सुंदर चीज़ बहुत अच्छा खासा दाम में मिल रहा है। रोड में जितना आप आगे बढ़ेंगे, दोनों साइड में ये जो दुकान है, स्ट्रीट में दुकान है बहुत सारे, एकदम चारों ओर लंबा एकदम अप टू मॉल तक पूरा दुकान यहाँ पे भरा हुआ है। मॉल रोड में थोड़ा दूर आ जाएंगे, शुरू में सबसे पहले मिलेगा केविंटर्स, और उससे थोड़ा आगे आ जाएगा सामने मिलेगा यहाँ का सबसे फेमस हेरिटेज रेस्टोरेंट ग्रीनरी, तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, अपने नाम पे हेरिटेज बहुत साल से चला आ रहा है, जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं और उसके साथ साथ लंच भी कर सकते हैं, साथ लाइव डिस्को लाइव बैंड, आपका टाइम जो स्पेंड करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा ग्रीनरीज के अंदर। का टाइम में हम आए हैं, बगर समर तो है ही नहीं, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, प्यारा प्यारा ठंडा ठंडा हवा, और अगर आप विंटर का कपड़ा नहीं डालेंगे, मफलर वगैरह टोपी वगैरह नहीं पहनेंगे, तो आपको जस्ट बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, जैसे शिवरिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा जोर शोर से हवा भी चल रहा है। आगे देखते हैं क्या क्या दिखता है। इतना अच्छा है, मुझे तो जो पसंद आ रहा है, बट वो जो स्ट्रीट में फुटपाथ पे जो बैठा है ना, वो कलेक्शन इतना अच्छा है, पैंटालूंस में वही 2,500-3,000 तक मिलता है। हाँ, बार्गेनिंग करके लेना पड़ेगा, अगर सही बार्गेनिंग नहीं पड़ेगा तो गला काट भी सकता है। गैंगटॉक से ज़्यादा यह स्टॉक अच्छा लगा, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। मॉल रोड में बहुत सारे होटल हैं, यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे है पाइन रिज होटल, ये वन ऑफ द फेमस होटल ऑफ द मॉल रोड। खादी इंडिया का शोरूम है यहाँ पे, एक के बाद एक बहुत सारे दार्जिलिंग टी का शोरूम है।
और दार्जिलिंग आ रहे हैं तो दार्जिलिंग का टी नहीं खरीदे तो क्या खरीदे, क्योंकि दार्जिलिंग का टी वर्ल्ड फेमस होता है। और वही टी आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप ओरिजिनल दार्जिलिंग टी लेना चाहते हैं तो मेरे पीछे हैं यहाँ पे गोल्डन टी, वर्ल्ड फाइनेस्ट टी सिंस 1933। ये दार्जिलिंग का वर्ल्ड फेमस दार्जिलिंग मॉल वही है और यहाँ का नज़ारा आपके सामने है कुछ ऐसा। सामने बहुत बड़ा एक जायंट स्क्रीन है, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे और भी होटल्स हैं जैसे शताब्दी प्राचीन जो होटल है होटल चैलेट, यहाँ पे भी आप आके आप रह सकते हैं, मगर यहाँ पे रिव्यू चेक करके आइए क्योंकि एक ऐसा यहाँ पे होटल है होटल चैलेट बहुत ही ज़्यादा पुराना है, फोर्ट बुक स्टोर के ऊपर ही है। यहाँ पे व्यू और नॉन व्यू दोनों रूम मिल जाएगा बहुत कम दाम में 1600 से 1700 के अंदर। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके। मॉल का नजारा आप लोगों के सामने है, कितना प्यारा मौसम है और समर के टाइम में भी इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है ना, अमेजिंग एक्सपीरियंस। दार्जिलिंग का मॉल जो वर्ल्ड फेमस है यहाँ पे आके इतना मजा हो रहा है, इतना मजा हो रहा है तो इट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा फीलिंग्स हो रहा है। आइए और दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करिए, जस्ट वी आर एंजॉयिंग योर हेवनली लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। यहाँ पे नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा लार्ज स्क्रीन में लाइव बैंड या म्यूजिक होते रहते हैं। और अभी हम लोग घुस चुके हैं मॉल से थोड़ा आगे, ये मेरे पीछे पूरा यहाँ तक महाकाल मार्केट शुरू होता है। अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो बहुत कम दाम में यहाँ पे अच्छा अच्छा चीज़ आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये पूरा मेरे सामने पूरा महाकाल मार्केट है और महाकाल मार्केट जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे है महाकाल मंदिर, बहुत अच्छा जागृत मंदिर है। अरे लोग सुबह उठ के वहाँ पे पूजा दे के फिर आते हैं। ये वाला दोनों ले लिए। और ये आके हम लोग महाकाल मंदिर के जस्ट सामने, ये जो सीढ़ी ऊपर जा रहा है महाकाल मंदिर के द्वार तक, और यहाँ पे भगवान शिव का और बजरंग बली का मंदिर है। अल्टीमेटली ले ही लिए, महाकाल मार्केट से एक जैकेट का ज़रूरत था, बहुत ही सस्ते में मिला, बहुत अच्छा खासा डील मिले, इसलिए डील देख के रहा नहीं गया, हम ले ही लिए अल्टीमेटली। ये कौन सा दोस्त दुकान के अंदर मिल गया। तो महाकाल मार्केट में हम लोग का शॉपिंग हो गया, तो अभी बंद करने का टाइम है इसलिए ज़्यादा नहीं खरीद पाए, कल सुबह फिर से आएंगे। भाई साहब इतना हवा चल रहा है ना, क्या बताओ, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं पता, तूफानी हवा चल रहा है जैसे उड़ के चला जाओ। और एक रास्ता यहाँ पे है दिखा रहा हूँ मॉल के सामने, खादी इंडिया जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रास्ता का नाम है जाकिर हुसैन रोड। ये रास्ता स्टेबल की तरफ जा रहा है, अस्तबल घोड़े का जो अस्तबल होता है वही, थोड़ा यूज की स्मेल आता है, बाकी उसको अगर इग्नोर कर दिए थोड़ा आगे चला जाइएगा वहाँ पे बहुत सारे अच्छा खासा किफ़ायती रूम दार्जिलिंग मॉल के पास आपको मिल जाएगा। कि
मेरे पीछे ये वाला जगह पे एक बहुत खूबसूरत फाउंटेन है, अभी ये बंद है। बाकी ब्लॉग इनकम्प्लीट रहता है अगर खाना नहीं होगा तो दार्जिलिंग में आ रहा है तो मॉल पे कुछ खा नहीं रहा है, स्ट्रीट फूड जो होता है वो नहीं ले रहा है तो क्या लिए। तो दार्जिलिंग में अगर स्ट्रीट फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो मॉल के सामने जो दुकान है मॉल रोड पे, आप चिकन लेग पीस, चिकन मोमो और उसके साथ साथ चिकन सेफाले ये भी एंजॉय करिए, गारंटी है आपको अच्छा लगेगा। मोमो उसके साथ साथ चिकन लेग पीस है, यहाँ पे तैयार हो रहा है चिकन सेफाल है, चिकन चाउमीन वगैरह बहुत सारे चीज जो आप खाना चाहते हैं। नेपाल क्यूरियो हाउस का जस्ट ऑपोजिट में सारा स्ट्रीट फूड का दुकान आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। कितना बड़ा दिया है, बहुत बढ़िया। जरूर यहाँ पे आ रहा है तो चिकन लेग पीस ट्राई करिए। देखिए कितने बजे तक खुला रहता है? 5 बजे से 9:30 तक। चिकन से पहले क्या होता क्या है? सेम एज मोमो। अच्छा अच्छा, अंदर चिकन का स्टाफ रहता है, मगर टेस्ट बहुत बढ़िया है, भाभी भी बना रही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तक फैमिली मेंबर नहीं बना है तो लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करिए और बन जाइए Unbeaten Dreams Blogs family member. Do like, share, subscribe to Unbeaten Dreams Blogs. तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया amazing कमाल का ब्लॉग लेके, तब तक आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए और as always मुस्कुराते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और दूर से दिख रहा है महाकाल बाबा महादेव का मंदिर, अल्टीमेटली पहुंच ही गए। Hear the hills calling your name. Don't laugh at Darjeeling.